हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से, और लेके आओ एक और ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक और स्नीकर के बारे में, जो कि है नाइकी की तरफ से। मैं बात करूंगा इसके कुछ फीचर और बेनिफिट के बारे में, साथ ही साथ मैं आपसे इसके ऑनफिट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, शुरू करते हैं विदाउट सी टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसा कि हर बार की तरह मैं आप लोगों को बॉक्स दिखा देता हूँ शूज का, तो इस बार जो शूज का बॉक्स है कुछ थोड़ा डिफरेंट है, और ये नाइकी का एक स्नीकर है। तो बॉक्स का कलर आप देख सकते हो ग्रे कलर का, जो कि काफी डिफरेंट है। नॉर्मली जो नाइकी के स्पोर्ट्स वेयर शूज होते हैं, ज्यादातर उनका कलर जो होता है रेड कलर का होता है, वहां पे नाइकी का स्पोर्ट्स वेयर लोगो होता है, बट ये बॉक्स टोटली डिफरेंट है। शूज का नाम है नाइकी ड्रॉप टाइप, और सामने की साइड बारकोड और कुछ डिटेल्स दी गई है, साइज डिटेल्स दी गई है हमेशा। यहाँ पे पीछे की साइड आपको इम्पोर्ट डिटेल्स और प्राइस मिल जाता है। शूज के प्राइस की बात करूँ तो ये 5995 की MRP है। साइड में आपको नाइकी लिखा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे एक नाइकी का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये लोगो जो है, आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, ये नाइकी ऑफ वाइट ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ शूज स्नीकर बनाया है, तो ये वहां से कुछ लिया गया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसा लोगो है, ऑफ वाइट से इंस्पायर्ड है, और यहाँ पे ऊपर की साइड N.354 लिखा है, जिसका मतलब मुझे अभी पता नहीं है। बेसिकली इस एडिशन में नाइकी ने दो स्नीकर लॉन्च किए, एक है एयरफोर्स वन में और एक ये नाइकी ड्रॉप टाइप। तो स्नीकर का बॉक्स खोल लेते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो शूज दिखने में कुछ इस टाइप का है। कलर की बात करूं तो प्लेन व्हाइट ऑफ व्हाइट टाइप का कलर है, और साथ ही साथ यहाँ पे काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज किए गए हैं। बात करते हैं अपर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिस्टर फैब्रिक के साथ साथ यहाँ पे सिमिलर टू स्वेट फैब्रिक यूज किया गया है, प्लस यहाँ पे जो कैनवास फैब्रिक होता है पट्टी वो भी यूज की गई है। लेस की बात करें तो काफी लाइट वेट है, और यहाँ पे डिफरेंट जो चीज है, नॉर्मली जो इसका टंग है ना, वो टंग जो है फॉर्म बेस्ड है। बेसिकली आपने अगर ऑफ वाइट एडिशन के कुछ स्नीकर देखे नाइकी के, तो उनका जो टंग होता है काफी लॉन्ग होता है, और यहाँ पे फॉर्म यूज की गई जाती है, तो सेम इस स्नीकर में भी वैसा ही कुछ लुक देने की कोशिश की गई है। हील की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा जो हील काउंटर है वो थोड़ा ऊपर तक दिया है, और यहाँ पे नाइकी का एक डिफरेंट लोगो भी प्रोवाइड किया गया है। आउटसोल की बात करें तो सेम है जो नाइकी के कुछ कैजुअल स्नीकर होते हैं, आउटसोल सेम टू सेम है, बट यहाँ पे एक चीज जो डिफरेंट है वो वेल्कनाइज डिजाइन है, साथ ही साथ ये जो ओवरलेस दी गई है वेल्कनाइज की डबल टेप के हिसाब से, तो वो एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे साइड में जो है N.354 लिखा गया है, जिसका मीनिंग सही में मुझे नहीं पता है क्या होता है। प्राइस जैसा कि मैंने बताया 6000 की प्राइस है, और यहाँ पे अंदर की साइड आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पे इनसोल पे एक चीज लिखी गई है, द ड्रॉप टाइप डिजाइन इज बेस्ड ऑन प्रोटोटाइप नाइकी एयर मोआब फ्रॉम 2001। बेसिकली ये जो शूज है इंस्पायर्ड है नाइकी मोआब से, जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था, तो वहां से ये शूज इंस्पायर करके फिर से रिलॉन्च किया है। शूज काफी लाइट वेट है। ऑनफिट एक्सपीरियंस की बात करूं तो साइज जो आपका एग्जैक्ट साइज है, आप उसे एग्जैक्ट साइज में ही परचेस करें। लाइक अगर साइज आपका 8 है तो आप इसे 8 में ही परचेस करें, छोटा बड़ा परचेस करने की कोशिश ना करें। आप इसे किसी भी एक्सक्लूसिव स्टोर और nike.in जैसी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। सो होप यू गाइस Enjoy this video. If you did like, share, comment, don't forget to subscribe my channel. See you next video. Till then, stay sexy.